आप देख रहे हैं 24 घंटों की 24 खबरें और मैं हूं शुभ्रा। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। एसएससी स्कैम, 100 करोड़ के घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी से मंत्री पद छिना, ईडी की कार्रवाई के बाद ममता ने हटाया। एमसीडी चुनाव स्थगित करने को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका पर 5 अगस्त को करेगा सुनवाई। आपने याचिका में केंद्र सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और एमसीडी को प्रतिवादी बनाया है। उद्धव ठाकरे को पहला चुनावी झटका देने की तैयारी में एकनाथ शिंदे और भाजपा, निगम चुनाव में करेंगे गठबंधन। एकनाथ शिंदे गुट के सूत्रों के मुताबिक मुंबई, पुणे, औरंगाबाद समेत कई नगर निगमों के चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव में उतरा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बोलने पर संसद में भारी हंगामा हुआ है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर भाजपा ने मांग की है कि सोनिया गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। संजय सिंह के बाद आप सांसद सुशील गुप्ता और संदीप पाठक राज्यसभा से निलंबित, हंगामे पर एक्शन। राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी बोले, राष्ट्रपति से मिलकर मांगूंगा माफी, इन पाखंडियों से नहीं, हिंदी कम जानने की वजह से की थी गलती। मुझसे बात मत करो, सांसद में स्मृति ईरानी पर भड़की सोनिया गांधी, दोनों में हुई तीखी बहस। डोंट टॉक टू मी पर बोली निर्मला सीतारमन। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने हमारी पार्टी की एक महिला सांसद को डराया और धमकाया। कहा कि उन्होंने अपने सांसद के बयान पर पछतावा जताने के बजाय आक्रमण रवैया अपना रखा था। राष्ट्रपति वाले बयान पर पूरे फंसे अधीर रंजन। राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी को लेकर महिला आयोग सख्त, सोनिया गांधी से हस्तक्षेप की मांग। अधीर रंजन चौधरी को पेश होने के निर्देश। ताशकंद में भारत चीन के बीच LAC के मुद्दे पर बन सकती है बात। सितंबर में PM मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संघाई कॉरपोरेशन संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का मुख्य एजेंडा ही SCO शिखर सम्मेलन की रणनीति तैयार करना है, जो समरकंद में 15 से 16 सितंबर को होगा। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने, PM ने न्यायपालिका पर दोहरा मापदंड अपनाने के लगाए आरोप। रशिया, पुतिन का बड़ा फैसला, 2024 तक छोड़ देगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बनाएगा अपना ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन। अब कुछ समाचार खेल जगत से। श्रीलंका के हालात को देखते हुए UAE को दी गई एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी, 27 अगस्त से शुरू होगा टूर्नामेंट। CWG 2022, PV सिंधु और मनप्रीत सिंह बने भारत के ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह में करेंगे भारत की अगुवाई। अब कुछ समाचार मनोरंजन जगत से। KGF और RRR के बाद दर्शकों को पसंद आई विक्रांत रोड़ा, फिल्म को बताया मास्टरपीस। शमशेरा की खराब कमाई पर छलका संजय दत्त का दर्द, इमोशनल पोस्ट में लिखा, नफरत का सामना करना पड़ रहा है। अब कुछ अन्य समाचार। छत्तीसगढ़ में BJP को झटका, भूपेश बघेल के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजभर पर साधा निशाना, कहा सुभासपा प्रमुख कर रहे हवा हवाई राजनीति। चेस ओलंपियाड से हटा पाकिस्तान, कश्मीर से मशाल गुजरने पर बौखलाए पाकिस्तान ने चेस ओलंपियाड से अपना नाम वापस ले लिया है, उसने कश्मीर से मशाल गुजारने पर आपत्ति जताई है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का उद्घाटन करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, महाराष्ट्र में बिना OBC आरक्षण के ही होने चाहिए 367 निकायों में चुनाव, अधिकारियों को किया आगाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सावर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंकी पॉक्स केसेस वर्ल्ड वाइड, मंकी पॉक्स के 70% मामले केवल यूरोप में, विश्व स्तर पर 18,000 के पास हुए मरीज। मार्केट क्लोजिंग बेल, बाजार हुआ गुलजार, 1041 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी 16,900 के पार। रूठे शिवपाल चाचा को मनाने से अखिलेश का इनकार, कहा सम्मान नहीं कर पा रहा हूँ तो वह स्वतंत्र है, अपनी पार्टी दोबारा बना ले। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए 24 घंटों की 24 खबरें।